यहाँ की जो एनर्जी है इट्स समथिंग एल्स. थिएटर में आई मीन जब हम लोग ऑडिटोरियम में इधर देखते हैं, घर में बैठ के देखते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है. लोगों के साथ लाइव देखने में जो एनर्जी है, ये शोर है, फैंटास्टिक. अभी धनाधन शॉट्स पड़ रहे हैं, कोई आउटर है, वैसे दोनों टीम्स के बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए बहुत मुश्किल चॉइस है आपको. हम सारे दोस्त हमारे खेल रहे हैं यहाँ पे. आप बोले रितेश क्या खेल रहा है, मतलब उसको तो प्रोफेशनल बन जाना चाहिए. और माधव ही मेड ऑलमोस्ट 100. इतना दुख हुआ मैनी ऑन द 99, बट इट्स फैबुलस एनर्जी. और हमारे सेलिब्रिटीज बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं. वेल वैसे आपको कभी मौका मिले, आप कभी क्रिकेट या कोई गेम खेलेंगी? मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलती थी, जिमनास्टिक्स करती थी, स्विमिंग करती थी, बट मेरे बच्चे टोटल फुटबॉलर्स हैं. सो दिस जनरेशन आई एम कन्वर्टेड. मैंने अपने बच्चों से इनहेरिट कर लिया फुटबॉल, सो टुडे आई एम अ फुटबॉल फैन. तो मतलब हो सकता है कभी ऐसे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच हो तो आप पूनम मैम को देख सकते हैं कि वो भी शायद हमें ज्वाइन करें. मैम ऑफकोर्स मैं कोशिश तो करती रहती हूँ. एब्सोल्युटली. अब इससे पहले वो फुटबॉल वाली किक मुझे पड़ जाए, मैं मैम के एंजॉयमेंट के बीच में नहीं आऊंगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्रिकेट मैच हो रहा हो उसमें इस इंसान की जरूरत जरूर पड़ती है, बिकॉज ये है रण और हम जाएंगे विजय. रण विजय. वेल रण विजय है. अब रण विजय यहाँ पे आया है, मैं तो कहता हूँ यार बात गई मेरी ऐसी तैसी और मेरी शराफत की तेल लेने. वेल एक और यहाँ पे लौंडा है हमारा जबरदस्त शराफत थी का. ये शायद अब ये दोनों आ गए हैं, अब बाकी जो है उनको मैं खुद बुलाना चाहूंगा. आइए आइए आइए. वेल इससे पहले मैं इन लोगों से बात करूं, मैं कमेंट्री बॉक्स में वापस जाना चाहूंगा. थैंक यू. शुक्रिया मनीष. जब जब मनीष आते हैं विकेट जाती है, और सुनील शेट्टी की भी यही है कि बाउंड्री जाती है फिर विकेट लेते हैं. लेग स्पिन का यही है आज डिसीजन, अब पेंडिंग है. फ्रंट बहुत ही अंदर, कोई डाउट नहीं. इसके लिए तो ऊपर रेफरल पे भी जाना नहीं चाहिए था. बिल्कुल, ये आजकल कस्टम हो गया है कि आप थोड़ा अंपायर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संदेह नहीं कि ये लीगल डिलीवरी थी. और अच्छी गेंद स्ट्रेट हुई, थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज गए, स्ट्रेटन किया वो डिलीवरी को और बिल्कुल विकेट के सामने. बढ़िया पिचिंग इन लाइन, हिटिंग इन लाइन, ये आउट होता है. और बहुत बढ़िया डिसीजन दिया. बाउंस हालांकि एक इशू था, और जब अंपायर ने आउट दिया है इसमें कोई डीआरएस तो है नहीं, तो देर किस बात की है. नो बॉल को चेक किया था आपने, क्या हो सकता है आज? मेरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अतुल कि क्या संदेह है, क्या है अब डिसीजन. शायद अंपायर्स में आपस में तालमेल कुछ हो नहीं पाया और ये डिसीजन आउट.